हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता चल गया होगा हम बात करने वाले हैं हमारे नीट 2019 के रिजल्ट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा बातें कहें वो कम है। तो दोस्तों, कट ऑफ तो कट ऑफ हुआ, लेकिन अभी बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है स्टूडेंट्स को। जैसे कि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि सर मेरे नंबर रिवाइज्ड आंसर की में कुछ और थे और रिजल्ट में कुछ और हो रहा है, मतलब कि नंबर कम हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसके लिए उपाय क्या है वो बताएं प्लीज। और डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें हमने जो कट ऑफ डिस्कस किए थे उसमें से बहुत से स्टेट ऐसे हैं जिनके कट ऑफ ठीक भी पाए गए, मतलब कि हमारा कट ऑफ 50% सही पाया गया। लेकिन दोस्तों, कुछ स्टेट में तो कुछ मत पूछिए, यहाँ पर मेरा ही कट ऑफ फेल नहीं हुआ। हर एक पर्सन के जिस जो जो एक्सपर्ट थे कट ऑफ वाले, उन सभी के कट ऑफ फेल हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पहली बार हुआ है कि इतना हाई कट ऑफ गया है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, आखिर कैसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और हर एक चीज जानते हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देन इसके बाद यदि आपकी फर्स्ट काउंसिल, आफ्टर फर्स्ट काउंसिल के बाद इतने मार्क्स वाला क्या रहेगा कट ऑफ, ये सब हम बातें देख लेते हैं। वो भी दोस्तों एक अनुमानित रहेगा, चूंकि आपको भरोसा नहीं रहा कि आखिर कट ऑफ कितना जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट काउंसिल के बाद भी अभी हम कुछ पक्का नहीं कह सकते, इसलिए फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आखिर आपके नंबर में कैसा वेरिएशन हुआ है। सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में हम जो भी वीडियो लाएं वो मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देख लेते हैं आखिर आपका कट ऑफ क्या गया है संभावित डियर फ्रेंड्स, जो कि फर्स्ट काउंसिल के बाद ही बोल सकते हैं। बट डियर फ्रेंड्स, यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आखिर आपकी इतनी रैंक होगी। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि 5700 आपकी रैंक आ रही है तो आपके मार्क्स आई थिंक बन रहे होंगे 600+, मतलब कि 600 से ऊपर ही होंगे 5-10। और बात करें यदि आपके रैंक आ रही है 8800, तो आपके मार्क्स आ रहे होंगे डियर फ्रेंड्स 590 से कुछ प्लस, मतलब कि 2-5 आपके नंबर ऊपर होंगे। और बात करें दोस्तों, यदि आपकी रैंक आ रही है 10,000, तो डियर फ्रेंड्स आपके मार्क्स आ रहे होंगे 585 से कुछ ऊपर, मतलब कि 5-10 ऊपर हो सकते हैं। और यदि आपके रैंक आ रही है 13,000 डियर फ्रेंड्स, तो आपके मार्क्स होंगे 575 से कुछ प्लस, करीबन 5 के। और डियर फ्रेंड्स बात करें, यदि आपकी रैंक आ रही होगी 15,000, तो डियर फ्रेंड्स आपके मार्क्स होने चाहिए 570 के समथिंग, जो कि बहुत ही हाई है, बिल्कुल ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। और डियर फ्रेंड्स बात करें, आपकी रैंक यदि है 16,000, तो आपके मार्क्स आ रहे होंगे करीबन 565 से कुछ प्लस। एंड बात करें डियर फ्रेंड्स, यदि आपकी रैंक है 23,500, जो कि लास्ट है और सबसे, मतलब कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना एक असंभव सी बात लग रही है, तो डियर फ्रेंड्स 545 से प्लस होंगे आपके मार्क्स, मतलब कि 550 के समथिंग। जी हाँ दोस्तों, यह है आपका, समझिए कि कट ऑफ फर्स्ट काउंसिल के बाद इतने मार्क्स बन रहे हैं तो ए रैंक आ रही होगी आपकी। तो डियर फ्रेंड्स, आप चलते हैं उस बात को देखने जिसमें बहुत से स्टूडेंट परेशान है कि सर आखिर ए कैसे हो गया कि हमारी आंसर की में कुछ मार्क्स थे और रिजल्ट में कुछ आ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस बात को भी देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप खुद अपनी आंख से देखिए कि आप ही लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स की उम्मीदों पे कैसे पानी फिरा है। तो दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे खुद कमेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स ने किए हैं, मेरे मार्क्स 374 थे, रिजल्ट में 339 हो गए। ऐसे ही यहाँ पे दिव्या मानी ने बोला है, सर आई गॉट 189 बट वाइल रेफरिंग एंड आंसर की माय मार्क्स वाज यहाँ पे 248 आ गए। डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से बहुत से स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी ब्रॉक यहाँ पे 520 और यहाँ पे हो गए इनके 500, यहाँ पर 501 है इनके कोई चांस। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, यदि मैं गिनाने लगा ना तो करीबन आधे घंटे लग जाएगा आपको मार्क्स बताते बताते कि बहुत से लोगों के मार्क्स में डिफरेंस आया है। तो दोस्तों आप खुद आगे देखिए, यहाँ पे 570 से 500 हो गए। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो केस लगाने की भी बोल रहे डियर फ्रेंड्स, और यदि ऐसा है तो आप लोगों को कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस
ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पे एक नंबर में भी जमीन और आसमान का फर्क हो जाता है, जिसमें तो यहाँ पे आपके मार्क्स में करीबन 10 से लेकर 15 नंबर का डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, 10 से लेकर 15 नंबर मैंने कमेंट्स में पढ़ा है कि सर मेरे 15 नंबर का डिफरेंस आया है। यहाँ पे देखिए इनके 490 और 298 और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं डियर फ्रेंड, जिनके 5-5, 6-6 नंबर का डिफरेंस आया है। आप खुद अपनी आंख से देख लीजिए। अब यहाँ पे मैं ज्यादा मार्क्स आपको गिना नहीं रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिए डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे गौरंग चरण सी बोलते हैं, सर एक क्या बात हुई, जिसको उम्मीद नहीं थी अच्छे आएंगे उनके अच्छे मार्क्स आए हैं, एंड जिनको उम्मीद थी उनके मार्क्स कम हो गए। डियर फ्रेंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जिनको उम्मीद नहीं थी उनके मार्क्स अच्छे आए हैं और जिनको उम्मीद थी उनके नहीं आए, मतलब कि घट कर आ गए। ये क्या चल रहा है, एनटीए चाहता है, ऐसे बहुत से कमेंट्स हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं एनटीए का। डियर फ्रेंड्स आपसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आपके मार्क्स में भी डिफरेंस मिला है तो दोस्तों यह सिर्फ आपके मार्क्स के साथ नहीं हुआ, ये मेरे हजारों स्टूडेंट्स के साथ ये समस्या आई है। तो दोस्तों आप क्या करना चाहिए आपको, तो दोस्तों आपको आप ईमेल या फिर जिस भी माध्यम से आप एनटीए को आपकी जो भी समस्या है उसको दोस्तों भेज सकें वो करें, मतलब कि किसी भी प्रकार से आपको अपना संदेश पहुंचाना है उनके पास, या फिर आप खुद जाएं इकट्ठे ग्रुप बना के सभी स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स में इतना ह्यूज डिफरेंस आया है। जी हाँ दोस्तों बहुत बड़ी बात है इतने मार्क्स का डिफरेंस, आप सब लोग मिलके जाएं, जो कुछ भी कर सकें वो करें, क्योंकि एक दो नंबर की बात होती तो चल जाता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 10-10, 15-15 नंबर बढ़ रहे हैं और कम रहे हैं दोस्तों के। तो आप लोग सबसे पहले तो किसी भी प्रकार से उनसे कॉन्टेक्ट करें, ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जैसे भी हो अपनी शिकायत दर्ज करें और उसका जल्दी से जल्दी समाधान निकलवाएं। जी हाँ फ्रेंड्स इतनी बड़ी मिस्टेक मेरे को समझ में खुद आ रही है, क्योंकि एक दो कमेंट देखने को नहीं मिले, यहाँ पे हजारों कमेंट्स हैं और यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए भी नहीं होंगे क्योंकि उनको पता नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, आखिर पूछें एनटीए से कि आखिर क्या हुआ, जो हमारे आंसर की में मार्क्स कुछ और थे और यहाँ पे कुछ और आ रहे हैं। यदि ऐसा हुआ दोस्तों तो ये तो सरासर बेईमानी है, नाइंसाफी है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं दिन और रात से, जहाँ एक एक नंबर को पाने के लिए हम खून पसीने एक करते हैं, और वहाँ ऐसा हो कि 10-10, 15-15 नंबर का डिफरेंस आए तो कोई एग्जाम की तैयारी करना ही बंद कर दे। हाँ डियर फ्रेंड्स ऐसा हम होने नहीं देंगे, यदि आपके मार्क्स में भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है तो आप सबको मिलकर अपनी आवाज ऊंची उठानी चाहिए, मतलब कि इसकी शिकायत करनी चाहिए एनटीए को। जी हाँ फ्रेंड्स वैसे ही तो अभी तक इतना हाई कट ऑफ देखने को नहीं मिला जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल अकल्पनीय इस बार का कट ऑफ आया है। यहाँ पर मैं ही नहीं, मेरे जो भी साथी हैं जो कि एक्सपर्ट थे उन सब का कट ऑफ बिल्कुल फेल हो गया 100%। हालांकि हमारा कट ऑफ तो डियर फ्रेंड्स कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर हाई कट ऑफ जाता था और मैंने भी हाई बताया था, वहाँ पर 100% रू हुआ है, बट कुछ स्टेट ऐसे थे जहाँ पर कट ऑफ लो जाता था वहाँ पर भी बहुत हाई जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स इसलिए समझिए कि यहाँ पर तो आप लोगों को ये सब करना ही होगा यदि आपके 2-5 नंबर में आप पीछे रहे। तो मेरी आप सबसे सिर्फ यही सलाह है, परामर्श है, एडवाइज है कि डियर फ्रेंड्स यदि आप 2-5 नंबर से आगे पीछे हो रहे हैं तो आप लोगों को जरूर अवश्य शिकायत करनी चाहिए इस चीज की। ऐसा नहीं हो सकता कोई एक पर्सन करे, सब लोग साथ मिलकर करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान भी अवश्य होगा। तो डियर फ्रेंड्स चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो डियर फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि आपकी कट ऑफ UR की 574 से 581 के समथिंग रह सकती है, लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक संभावित कट ऑफ है क्योंकि हम बिल्कुल नहीं बता सकते, वो आपकी फर्स्ट काउंसिल के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं 100%। जी हाँ फ्रेंड बिल्कुल 100% अभी हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि आपकी कट ऑफ यही रहेगी, क्योंकि अब कोई ठिकाना नहीं रहा इसका, अपन कुछ सोचते हैं कुछ और हो जाता है कुछ और। तो दोस्तों आपको बता दें UR और OBC दोनों कैटेगरी की कट ऑफ हो चुकी है। अब ये कट ऑफ आप नीचे देख पा रहे हैं जो कि 443 से 491 हो जाएगी SC कैटेगरी की, और डियर फ्रेंड्स जो 424 से 429 से ये हो सकती है ST कैटेगरी की, लेकिन अभी हम 100% कंफर्म बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ सोचते हैं और कुछ और हो जाता है, लेकिन हम जहां तक बनता है वहां तक अपना अनुभव शेयर करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स और बात करें यहाँ पर बिल्कुल 100% कट ऑफ आपका हम बता सकते हैं
आफ्टर फर्स्ट काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ही हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ अभी हम कह सकते हैं तो सिर्फ इतना ही कि आपकी कट ऑफ यह जा सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।